हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है या कह सकते हैं टी की वैल्यू निकालना है। गिवन दे रखा है 3t -2/4 -2t + 3/3 2/3 -t। टी को क्या करेंगे, अपोजिट से ले आएंगे। अपोजिट लाएंगे तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ऑन हेयर वी सी हेयर डोमिनेटर आर डिफरेंट, दैट्स वाई वी एड और सब्ट्रैक्ट, नीड टू टेक एलसीएम। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 3 जो होता है 12, तो 3 × 3t - 2 हो जाएगा। 3 4 जो होता है 12, तो 4 × 2t + 3 हो जाएगा। 12 1 = 12, 12t हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, 3 3 = 9t हो जाएगा, 3 2 = 6 आ जाएगा, 4 2 = 8t आ जाएगा, 4 3 = 12 आ जाएगा। माइनस का ये 12t आ जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा। 90 है -80 है, डिफरेंस करेंगे टी बचेगा 12 और 6। माइनस माइनस दे रखें, दोनों प्लस हो जाएंगे, सिंबल आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 18 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा हमारा। तो टी और 12t, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ऐड हो जाएंगे, 13t हो जाएगा। 13t - 18 आ जाएगा अपॉन 12। डोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 13t - 18 = 2 × 12 हो जाएगा। 3 को क्या करेंगे, डोमिनेटर पे ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, 13t - 18 = 2 × 12/3 आ जाएगा। 3 4 जा होता है 3 1 = 3, 3 4 = 12, इसे डिवाइड कर देंगे हम और मल्टीप्लाई करेंगे डोमिनेटर में। 4 2 जा होता है 8, 4 2 = 2 × 4 हो जाएगा, 4 2 = 8 आ जाएगा, -18 है, अपोजिट ले आएंगे तो कायम हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 18 और 8 हो जाएगा 26/13। 13 से डिवाइड किया, 13 आ गया डोमिनेटर पे, 13 1 = 13, 13 2 = 26। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इफ यू वांट टू रीचेक योर आंसर राइट और रॉन्ग, देन यू पुट द वैल्यू ऑफ टी इन एलएचएस एंड आरएचएस। अगर आरएचएस और एलएचएस हमारे इक्वल आएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी, राइट होगी। थैंक यू।